नमस्कार, मैं हूं चुमका। दिनभर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री ने किया राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना में लैपटॉप का वितरण। जनवादी महिला समिति ने की बीपीएल कार्ड बनवाने की मांग, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। आधार कार्ड नहीं बनाने पर नागरिकों ने जताया रोष, व्यवस्था पर उठा सवाल। विभिन्न समस्याओं से परेशान लोगों ने नगर परिषद अधिकारियों व कर्मचारियों का घेरा। अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज जिला स्तरीय लैपटॉप व साइकिल वितरण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल थे। राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना के तहत आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय लैपटॉप व साइकिल वितरण का आयोजन हुआ। वर्ष 2011-12 में 8वीं, 10वीं व 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को जिला प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने लैपटॉप भेंट किए। शिक्षा विभाग ने 8वीं कक्षा में प्रत्येक स्कूल के प्रथम स्थान पर रहने वाले बच्चे और 10वीं व 12वीं कक्षा में पहले 10,000 स्थानों पर रहे विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का निर्णय लिया था, जिसके तहत आज सभी प्रतिभावान बच्चों को लैपटॉप दिए गए। राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना के तहत चयनित बच्चों को लैपटॉप के साथ पावर केबल, अडेप्टर चार्जर, लैपटॉप यूजर मैनुअल व पैक कैरी बैग भी दिया गया। समारोह में बोलते हुए जिला प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि यह बच्चे आने वाले कल का भविष्य हैं, इसलिए इन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार का कर्तव्य है, ताकि यह बच्चे आगे जाकर और ऊंचाइयों को छुएं और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने जनहित में चलाई जा रही सरकार की अन्य योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि आम आदमी को इन योजनाओं का समुचित लाभ लेना चाहिए। प्रतिभा ने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, इस बात को जानते और मानते हुए कि ये आने वाला कल है, हमारे राज्य और देश का भाग्य विधाता है, इनको वो सुविधाएं मुहैया कराए जाना अनिवार्य है जो सुविधाएं आज के समय की मांग है। इन राजकीय विद्यालयों में इन 8वीं, 10वीं और 12वीं पास छात्र छात्राएं, जिनके लिए घोषणा की गई थी कि प्रथम बोर्ड की परीक्षाओं में आने वाले प्रथम 10,000 छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा, साथ ही साथ 8वीं के भी हर विद्यालय में प्रथम आने वाले छात्र छात्रा को लैपटॉप दिया जाएगा। यह प्रतिभा तो पहले भी दिखाई जा रही थी, इस प्रतिभा को निखारने के क्रम में आज ये कार्य हो रहा है। ये हमारा देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ देश है। इस देश में आपके द्वारा किया गया एक प्रयास इस देश की दिशा को बदलने वाला होता है। आज ये नौजवान है, आने वाला कल आपको भी वोट का अधिकार मिलेगा। आपके लिए देश क्या कर रहा है, इस बात को आपके मन में घर करते हुए आप शिक्षा प्राप्त करके जब किसी मुकाम तक पहुंचेंगे तो आप इस देश के लिए बहुत कुछ करेंगे, आशाएं देंगे। समारोह में सम्मानित होकर लैपटॉप पाने वाले बच्चे काफी खुश नजर आए। उन्होंने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि लैपटॉप मिलने से हमारी पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा। मेधावी छात्रों ने अपने सहपाठियों से भी इसी तरह मेहनत कर जीवन में सफलता अर्जित करने की बात कही। डिजिटल योजना के तहत लैपटॉप प्राप्त किए मिल रहे हैं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ, और इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, हमें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इससे कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, इसलिए अब ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट आगे ऐसे देती रहे, ये योजनाएँ चलाती रहे, जिससे लड़कियों को भी बढ़ावा मिले और गरीब छात्रों को भी बढ़ावा मिले। इस योजना के तहत लैपटॉप दिया जा रहा है, ये लैपटॉप मेरे भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आएगा और आगे बहुत सारे क्षेत्रों में, शिक्षा क्षेत्रों में काम आएगा, और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि वो भी इस तरह मेहनत करें ताकि आज जहाँ मैं हूँ कल वो। मुख्यमंत्री जी का इस योजना के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी योजना चलाई जिससे सभी बच्चों का विकास हो, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, उन्हें कंप्यूटर के बारे में नॉलेज मिल सके तथा वो किसी क्षेत्र में पीछे न रह सकें। अतः मैं निवेदन करूँगी ऐसी और योजनाएँ सरकार चलाती रहे जिससे बच्चों को प्रोत्साहन प्राप्त हो, और मैं सभी बच्चों को निवेदन करूँगा कि वो भी ऐसी मेहनत करते रहें ताकि आज हम जहाँ पे हैं वहाँ पे कल वो भी हो। जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर पीसी किशन, एडीएम बीएल मेहरा, पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप, जिला प्रमुख शोभा सिंह डुड्डी, उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। इस अवसर पर स्कूली छात्राओं ने अपनी विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया। Oh,
भारतीय जनवादी महिला समिति के नेतृत्व में वार्ड नंबर 3 के महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने बीपीएल कार्ड नहीं बनाए जाने पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। वार्ड नंबर 3 खुंजा की महिलाओं ने अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के नेतृत्व में जिला कलेक्टर पीसी किशन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए महिलाओं का कहना था कि डिपो से एक तो राशन नहीं मिलता और जो थोड़ा बहुत मिलता है उसमें भी कीड़े पाए जा रहे हैं। साथ ही जब भी वह डिपो में राशन लेने के लिए जाती हैं तो डिपो वाला उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। वार्ड में कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन आज तक उनका बीपीएल कार्ड नहीं बना। आक्रोशित महिलाओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर से यह मांग की है कि वार्ड का सर्वे करवाकर इसे बीपीएल श्रेणी में सम्मिलित किया जाए। अगर जल्द ही ऐसा नहीं किया गया तो महिला समिति को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। डिपो पे सामान मिलता है वो पहले तो सारा पूरा मिलता नहीं है, और जो आटा मिलता है 2 महीने से एक थैली आटे की देते हैं। आटे में लटे आती हैं, बुरा हाल है आटे का, जानवर भी नहीं खाना समझते और इंसान के खाने लायक नहीं है। नई खुंजा का 3 नंबर वार्ड का जो डिपो होल्डर है वो औरतों को धक्के मारता है। जब सामान लेने जाते हैं तो वो शिकायत करती हैं महिलाएं कि हमें तेल भी चाहिए, हमें जो चीज़ राशन पे मिलनी चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए, और वो अभद्र व्यवहार करता है। बीपीएल कार्ड के ऊपर राशन का डिपो के ऊपर हर एक चीज़ आ रही है, दाल, खांड, चा, लून, मिर्चा, जीरे, काली मिर्च तक तक माने कुछ कौन देवे, सिर्फ कणक देवे, एक आटो देवे 3 महीने डेंगू में कीड़ा मकोड़ा आवे। अब ना माने 3 महीने आगे खांड दी, ना माने और कोई चीज दी, हमारे राशन जो लिखड़ है वो माने सारो पूरा करना चाहिए। सरकार द्वारा जारी यूनिक आईडी आधार कार्ड बनवाना प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है, लेकिन आधार कार्ड बनवाने की समुचित व्यवस्था नहीं होने से नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। जिला प्रशासन ने आधार कार्ड बनवाने के लिए टाउन व जंक्शन के अलग अलग केंद्र बना रखे हैं, लेकिन इन केंद्रों पर समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी दिक्कतें आती हैं। टाउन में नगर परिषद कार्यालय पर बनाए गए केंद्र में आधार कार्ड बनवाने के लिए लोग पिछले कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया है। टाउन निवासी शिवलाल खटक ने बताया कि वह पिछले 4 दिन से आधार कार्ड बनाने के लिए केंद्र पर आ रहा है, लेकिन आधार कार्ड बनाने के लिए समय निश्चित नहीं होने से हर रोज खाली हाथ लौटना पड़ता है। यही पीड़ा राजेंद्र कुमार की है। आधार कार्ड बनवाने के चक्कर में उसके बच्चे पिछले 4 दिन से स्कूल नहीं गए। गुस्साए नागरिकों ने आज केंद्र पर धरना देकर नारेबाजी भी। नगर परिषद के अंदर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, उन्हों के लिए के जनता बहुत परेशान होती है, आते हैं और जाते हैं, 5-5 दिन 10 दिन सुनाई नहीं होते हैं, इसके लिए के जनता बहुत परेशान है। आधार कार्ड बनाने वाला को निवेदन है कि जो भी जनता के आधार कार्ड बनते हैं उसको नीति नियम से बना के हथवा दिया जाए। तो ये यहाँ पे अब कितने दिन हो गए सर जी? मेरे को आज 4-5 दिन का चक्कर काट के जाता हूँ मैं। जब हम कभी 9 बजे बुलाते हैं, 10 बजे बुलाते हैं, 3 बजे बुलाते हैं, 5 बजे बुलाते हैं। यहाँ पे आपको बंद मिलता है? यहाँ पर मेरे को बंद मिलता है, 3 दिन हो गए आज मैं चक्कर लगा रहा हूँ सर जी। इसका कोई पता नहीं है? इसका कोई पता नहीं है, नगर पालिका वाले कोई नहीं बताते। यहाँ पर जब बंद के ठेके पर है, कोई सरकारी कोई नहीं बताता इसको, कभी कहते बंद ही रहता है, कभी कहते खुला रहता है, खुला रहते हैं तो हम आते हैं जब बंद मिलता। प्रशासन हम कहते हैं कि सभी से भैया हमारे जो आधार कार्ड जो जनता का बन रहा है उनको हाथों हाथ बढ़ा के दिया जाए। जो जनता बहुत परेशान है, मजदूर दाढ़ी करने वाले इतनी थे और ये परेशान हो रही है, जनता के कमाई से पार नहीं पड़ती है, दाढ़ी मजदूरी करते हैं उसे भी पार नहीं पड़ती है। यहाँ पर चक्कर लगाएंगे या आधार कार्ड बनाएंगे या पेट भरेंगे आपका? मेरे को आज 4 रोज हो गए यहाँ आधार कार्ड के लिए आते हुए, और साथ में 4 रोज से मैंने बच्चों का स्कूल भी खराब करवा रखा है। इनको 4 रोज से मैं स्कूल से भी छुट्टी दिला रखी है, और यहाँ आता हूँ तो ये लोग कहते हैं 9 बजे आओ, 10 बजे आओ, ये फार्म में कमी है, वो फार्म में कमी। मैंने सारे तो फार्म कंप्लीट कर रखे हैं, उसके बावजूद आज 4 दिन से मैं अपनी दाढ़ी भी खराब कर रखी है। अब 2:30-3 बजे तक मैं यहाँ बैठा हूँ, सुबह 10 बजे से आया हुआ, अब 2:30 बजे के बाद जाऊँगा तो कौन मेरे को दाढ़ी भी रखेगा? मैं अपनी दाढ़ी से भी परेशान हो रहा हूँ, इधर बच्चे स्कूल से परेशान हो रहे हैं, और इधर आधार कार्ड वालों ने ना तो यहाँ कोई सूचना बोर्ड लिख रखा कि भी आज हमारी छुट्टी है या इतने बजे आएंगे और इतने बजे टाइम तक हम बैठते हैं, कोई समाचार नहीं है। आज सुबह 9:40 में मैं यहाँ आया था और तब से अब तक मैं यहीं बैठा हूँ। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पोल टेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, बुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर आई स्कोर 80% मार्क्स एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज। द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक कौन सेंसुई कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलेक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैंस्टार आदि के होम एप्लायसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डिजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCDs और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइज जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीट कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। यहाँ पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। यह सही है कि गहलोत सरकार हर वर्ग के लिए कोई न कोई योजना लेकर तैयार है, वहीं लोगों में इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से रोष व्याप्त है। वार्ड 16 के नागरिकों का गुस्सा आज नगर परिषद प्रशासन पर कुछ इस तरह फूटा। हनुमानगढ़ नगर परिषद अपने कामकाज और तरीकों को लेकर चर्चा में रहती है। सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं के तहत नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाया गया, फिर चाहे वे भवन निर्माण का हो, स्ट्रीट लाइटों का हो, सड़कों की मरम्मत को लेकर हो। इस बार लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और विफल पड़े और नगर परिषद के अधिकारियों को घेरने दफ्तर पहुंचे।
अपना आशियाना बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले वार्ड 16 के नागरिक नगर परिषद पहुंचे। पहले तो उन्होंने प्रभारी एएन राजेंद्र स्वामी और सूबे सिंह यादव को घेरा, फिर संतोष नहीं हुआ तो आयुक्त श्रवण बिश्नोई का घेराव किया। नागरिकों का कहना था कि नगर परिषद में लापरवाही की हद है, कई कई बार कहने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। लोगों का कहना था कि कहीं मरे हुए लोगों के नाम से चेक जारी कर दिए जाते हैं तो कहीं जिंदा लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोगों में आवासीय योजना के तहत दूसरी किश्त नहीं मिलने, बीपीएल योजनाओं का लाभ नहीं देने, आवारा पशुओं, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइटों, पानी निकासी आदि को लेकर जबरदस्त आक्रोश था। प्रदर्शन के दौरान नागरिकों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में पार्षद पति सुरेंद्र बेनीवाल, प्रभुदयाल पचार, विमला मोदी, सीताराम शर्मा, अविनाश बागला, सुभाष शर्मा सहित वार्डवासी उपस्थित थे। जब मैं आयुक्त महोदय से मिले आवारा पशुओं के सिलसिले में, और ये बार बार हमें टरकाने का ही काम करते हैं, हमारे मोहल्ले के अंदर पहले भी हम इनसे मिले, इन्होंने हमारे को 30 जून का टाइम दिया था और उसके बावजूद भी हम मिलते रहे तो ये टरकाने का ही काम करते रहे। अब हमने आज प्रदर्शन किया है दोबारा, तो आज हमको ये आश्वासन मिला है, अभी हम शाम को 5 बजे आप वहाँ आवारा पशु पकड़ने के लिए आएंगे। तो आप आवारा पशुओं से ऐसे जी बच्चों को जैसे कोई मोटरसाइकिल बाहर खड़ा कर दिया तो आवारा पशु लड़ते हैं, तो गाड़ी कोई खड़ी है तो उसको नुकसान, आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन ये पे कान पे जूनी रेंग रही, ये सिर्फ आश्वासन देने की जो कुछ नहीं कर रहे। हम बेरहाउस की जो बेरहाउस लेकर परिकरणी तक जो लाइटों की समस्या है, नीचे सड़कों की समस्या है, नालियों की समस्या है, वो समस्या को लेकर 2-3 बार यहाँ पे नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन दे चुके हैं और यहाँ पे इनको बता चुके हैं भी यहाँ पे ना पोल है बिजली के ना कुछ और है, लेकिन हमारी कोई बिल्कुल सुनवाई नहीं हो पा रही है। और इस बार अगर सुनवाई नहीं होगी तो हमें उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा। हम पास कर देंगे, वो पैसे अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचे, और बरसात का टाइम है, कहते हैं मकान बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं, अभी तक हमारे पास पैसे नहीं पहुंचे। ये फार्म भरे के हमारे को हो गए थे 3-4 महीने हो गए। आप पूछने आते हैं तो कभी कहते उस ऑफिस पे जाओ, कहते पूछो, कभी ऊपर जाओ कमिश्नर के पास जाओ, कभी नीचे जाओ, यूं चक्कर कटवाते हैं हमारे से। कुछ भी नहीं मिला हमारे को। आज दिन हमने जो ये वार्ड नंबर 16 है, 16 नंबर वार्ड के अंदर है बीपीएल परिवारों को एक तो कोई पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, दूसरा जो ये आवासीय योजना के अंतर्गत ये 50,000 से आज 70,000 रुपये जो दिए जा रहे थे वो भी हमें नहीं दिए जा रहे। आज हमने आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा है भी अल्प समय में हम आपकी मांगे पूरी कर देंगे, यदि हो जाती है जब तो ठीक है, अन्यथा हमें मजबूर होकर जैसे पूर्व में धरना दिया गया था उसी प्रकार से हम धरना और प्रदर्शन करेंगे और इसका परिणाम वो नगर परिषद को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक बारी नहीं अनेक बारी इनको अवगत करा दिया, अवगत कराने के बावजूद ये कोई सुनवाई करते नहीं है। हाँ जी कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन काम हमारा हो नहीं रहा है। आखिर मजबूर होकर आज हमें सभी वार्डवासियों ने इकट्ठे होकर और यहाँ इनको चेतावनी दी है, चेतावनी के उपरांत भी यदि नहीं करते हैं तो हम 3 दिन बाद में या 5 दिन बाद में जैसे भी है इनका जो समय पूरा होगा उसके बाद में हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। नगर परिषद के आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई ने कहा कि वार्ड में शहरी बीपीएल सर्वे व चेक वितरण, नए नल लगवाने, आवारा पशुओं सहित कई समस्याएं थी, उनके निस्तारण के लिए आज से ही कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आयुक्त का कहना था कि बहुत से अभियानों के चलते नगर परिषद स्टाफ काफी व्यस्त रहता है, इसलिए कार्यों में थोड़ी देरी हो रही है। इस संबंध में आयुक्त ने विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना के अंतर्गत जो आवेदन हो रखे हैं उन पर कार्रवाई करें। दूसरा था मुख्यमंत्री संबल योजना के अंदर कुछ लोगों को 1500-1500 रुपए के चेक वितरण नहीं हुए। एक इनका था आवारा पशुओं का मुद्दा और एक नल कनेक्शन का था कि नल वहाँ नया नल लगाया जाए, तो ये कई इशू थे, कुछ सड़क के इशू थे। तो सीएम बीपीएल आवास योजना के तहत हमने काम चल रहा है। पहला तो ये है कि जो अम्बेडकर कॉलोनी है उसमें काफ़ी एरिया है जो प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है, लेकिन बीच बीच में कुछ मकान ऐसे हैं जो प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर है, तो सीएम बीपीएल आवास योजना का हम 15 अगस्त से पहले पहले इनके वार्ड में, तो मैंने आज ही कह दिया, भेज दिया आदमी को, लेकिन दूसरे जो अभियान चल रहे हैं उस वजह से क्या स्टाफ बहुत व्यस्त रहता है, इस वजह से इस काम में थोड़ा ढीला है। बाकी अपने इसमें ऐसी बात नहीं, करीब 950 की एफएस जारी कर चुके हैं, 811 के चेक वितरण कर चुके हैं, इनके वार्ड थोड़ा पीछे रहा हुआ है,
इस वार्ड में हमने सर्वे के लिए बोल दिया है, सर्वे करवा देंगे, और नल के लिए बोल दिया, कल ही नल का एक नया नल लगना शुरू हो जाएगा, और आवारा पशुओं के लिए आज शाम को इनके वार्ड में 20 आदमी ड्यूटी लगा के और एक अभियान चलाएंगे पकड़ने के लिए। महानरेगा जिला मैट संघर्ष समिति ने मैटों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर पीसी किशन को ज्ञापन सौंपा। मैटों का कहना है कि मनरेगा का सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाला कार्य मैट द्वारा ही किया जाता है, लेकिन फिर भी सरकार ने मैटों के कार्यभार को अनदेखा कर उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं किए। महानरेगा जिला मैट संघर्ष समिति ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर पीसी किशन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मैटों ने बताया कि 5 वर्षों से लगातार कार्य करने के बावजूद महानरेगा मैटों को राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया। महानरेगा में सबसे महत्वपूर्ण व जिम्मेदारी वाला कार्य मैट द्वारा ही किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नगर मंडल की बैठक दुर्गा मंदिर धर्मशाला में हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों में युवा मोर्चा की प्रभावशाली भागीदारी के बारे में विचार विमर्श किया गया। जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नगर मंडल की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष राजन अरोड़ा ने की। बैठक में मुख्य अतिथि बीकानेर संभाग प्रभारी अरविंद पाल चौधरी व बीकानेर देहात जिला अध्यक्ष जितेंद्र राजवी थे। बैठक में संभाग प्रभारी अरविंद चौधरी ने सभी बूथ स्तर पर इकाइयां बनवाने व आगामी कार्यक्रम वृक्षारोपण व नए कार्यकर्ता युवा मोर्चा से जोड़ने के लिए मार्गदर्शन किया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों में युवा मोर्चा की प्रभावशाली भागीदारी के लिए प्रेरित किया। बैठक में हनुमानगढ़ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक, अतुल पुरोहित, जसप्रीत सिंह, मदन पुनिया, प्रताप सिंह, शीशपाल महिला, विनय कमल, कमल वधवा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की विधानसभा वाइज आगामी संगठन के जो कार्यक्रम आने वाले हैं, जैसे कि बूथ इकाई हो, उनके सम्मेलन हो, युवा लोगों के विधानसभा वाइज सम्मेलन हो, इन सभी के गठन के विषयों को लेकर थी, जिसमें सभी विधानसभाओं के आज बैठकें हुई। हमारे बीकानेर संभाग के प्रभारी और मंत्री जी, हाँ, श्रीमान अरविंद पाल जी चौधरी आए हुए थे, तो हमारे 3 विधानसभा क्षेत्रों की आज बैठकें हुई, पीलीबंगा, संगरिया और हनुमानगढ़। तो इसके अंदर देहात और नगर के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तो हमारे प्रभारी महोदय का ये निर्देश रहा कि भी सभी बूथ कमेटियां, बूथ इकाइयों का गठन किया जाए जल्द से जल्द। तो युवाओं में शानदार उत्साह है, आने वाले समय में हम सदस्यता अभियान भी चलाएंगे, वृक्षारोपण भी युवा मोर्चा करेगा, अनेकों अनेक कार्यक्रम युवा मोर्चा के लिए आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। पीलीबंगा की मधुबन कॉलोनी के नागरिक भू रूपांतरण की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर से मिले। कॉलोनी के 50 कुकर्ण धारक पिछले कई महीनों से पट्टों की मांग को लेकर नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं। पीलीबंगा के वार्ड नंबर 3 की मधुबन कॉलोनी वर्ष 2002 में टाउन प्लानर द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। नगर पालिका द्वारा इस कॉलोनी में कुछ पट्टे भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन कॉलोनी के करीब 50 भूखंड मालिक गत 6 माह से पट्टों की मांग को लेकर नगर पालिका के चक्कर लगा रहे थे। वहां सुनवाई नहीं होने पर नागरिकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन से पट्टे जारी करने की मांग की। पीड़ित लोगों का कहना है कि अगर हमारे भूखंडों के पट्टे जारी नहीं किए गए तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। पिछले 8 महीनों से
वहाँ पे कृषि भूमि पर जो है आवासीय पट्टा बनवाना चाहते हैं। नगर पालिका के SDM के चक्कर लगा लगा के सभी व्यक्ति जो है थक चुके हैं। आज कलेक्टर साहब के पास फरियाद करने आए थे, वो लैपटॉप बांटने गए हुए हैं, हमें मिले नहीं हैं, और उनके जो कर्मचारियों को पत्थर की प्रति दे दी गई है। और अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, हमारा कार्य नहीं सही तरीके से किया जाता है, तो किसी भी समय यह जो ज्वाला है भड़क सकती है और आंदोलन का रूप ले सकती है। सरकार के अनेक विभागों में संविदा पर लगे कंप्यूटर कर्मियों व संविदा कर्मियों को भर्ती के द्वारा नियमित किया जा रहा है, लेकिन कंप्यूटर शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया से दूर कर ठेके पर रखा गया है, जिससे आक्रोशित कंप्यूटर शिक्षकों ने उच्च न्यायालय की शरण ली है। न्यायालय ने कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित नहीं करने पर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। टांग की पुरानी नगर पालिका से चौतीना कुआं स्थित हनुमान मंदिर में शिव पुराण कथा का विधिवत शुभारंभ किया गया। सावन माह के उपलक्ष्य में आयोजित कथा पूरे सावन के महीने चलेगी। टांग की पुरानी नगर पालिका स्थित चौतीना कुआं स्थित हनुमान मंदिर में शिव पुराण कथा का आयोजन सेवानिवृत्त तहसीलदार रतन सिंह राठौर द्वारा किया जा रहा है। कथा प्रतिदिन शाम 5 बजे से 6 बजे तक चलेगी। पूरे सावन मास चलने वाली कथा का श्रवण करने श्रद्धालु उत्साह से पहुंच रहे हैं। होगा और जहां मेरा मंडप रचना होगी उसका शिव मूर्तुं ही होगा। तब महादेव जी केसर ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं ने आए। देवताओं ने उनकी एक होती पूजा की। शिव जी अपनी शुभ सभा में जा बैठे। अब है शिव जी का ज्ञानोपदेश। श्री नंदे केश्वर बोले के महर्षि, सनत कुमार का ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े शिव जी के अगल बगल में जा बैठे और उनकी पूजा की। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।